हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर चित्रा कौशल एंड मेरी यहाँ पे मुझे राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर राइट ब्रेस्ट का था. उसकी ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे डॉक्टर पीयूष वाजपेयी के अंडर करवाई थी. 2019 के मिड में मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई थी यहाँ पे, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड फॉलोड बाय टारगेटेड थेरेपी. सो दैट ऑल्सो अभी भी मैं फॉलोअप में यहाँ पे डॉक्टर पीयूष के अंडर फॉलोअप हो रहा है मेरा. इस कैंसर ट्रीटमेंट में मेरी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, जिसमें डॉक्टर पीयूष वाजपेयी, उनका स्टाफ और पूरा आई थिंक हॉस्पिटल डॉक्टर इवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला. और मेरी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद मुझे कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, जिनको सब जिसके रिगार्डिंग सर ने मेरे को मतलब फॉलोअप में हर जगह इतना सपोर्ट और हर जगह पे बताया कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होनी है और कैसे कैसे मैं उस अप्स एंड डाउन्स में मैं कर पाई. और साथ में उन्होंने मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे साथ मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी उन्होंने काउंसिल किया. उन्होंने और जब अकेले आप मुझे नहीं लगता कि कैंसर ट्रीटमेंट पे आप अकेले रह अपने आप कर सकते हो, जब तक कि आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो. मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब ने इतना सपोर्ट किया, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया. और उसका डॉक्टर पीयूष ने बहुत अच्छे से बताया कि आपको डाइट कैसी लेनी है, आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है. ही टोल्ड मी कि आप पार्क में जाओगे, आप घर में नहीं रहोगे, ऑक्सीजन ट्रीज के अंडर बैठो, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन अपनी करो. और बहुत ही और इस वजह से मैं इन सब इतनी उतार चढ़ाव के बाद भी मैं इतना अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, मैं अभी भी अपने आप को ये फील करती हूँ कि मैं वापस वैसी ही होगी जैसे मैं पहले थी, बिफोर आई वॉज डायग्नोज विथ कैंसर. एक और मैं आपको मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगी कि कैंसर इज़ ट्रीटेबल अगर एक बहुत ही अर्ली स्टेज में आप उसको डिटेक्ट कर पाएँ. सो सबके लिए मैं यही बोलूँगी कि अवेयर रहें और अपना चेकअप कराते रहें टाइम टू टाइम. थैंक यू सो मच.